आज एक बार फिर मुमरा कौसा के कोविड सेंटर को लेके लोगों की पगार नहीं मिलने के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें क्या बातचीत हुई वह हम आपको दर्शा रहे हैं। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा के कोविड सेंटर का फिर से एक बार सैलरी को लेके मुद्दा उठा है, जो हमने पिछली न्यूज में भी हमारे दिखाई थी, जैसे कि किसी की 2 महीने की सैलरी बाकी थी, किसी की 3 महीने की सैलरी बाकी थी और कुछ लोगों को निकाल दिया गया था। तो आज जैसे जोया खान, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी, उनके हाथ में एक जिम्मेदारी थी लोगों की सैलरी देना और जो भी कोविड सेंटर में अन्य चीज़ जो लगती है वो सारी चीज़ उनकी निगरानी में चलती थी। आज फिर से कर्मचारियों ने एक मुद्दा उठाया है, वहाँ कोविड सेंटर में उन लोगों ने 2 महीना 3 महीना ऐसा काम किया है और उन लोगों की सैलरी आज तक के मिली नहीं। और जैसे कि हमने पिछली न्यूज़ में भी हमारे दर्शाया था, 6 महीने के लिए ये कोविड सेंटर बनाया गया था। जैसे कोविड महामारी के चलते मुमरा में ये कोविड सेंटर बनाया गया था और इस कोविड सेंटर में अपनी जिम्मेदारियों को खूबी से निभाया, जैसे कि यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के जो कर्मचारी काम करने वाले, इन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी से पगार नहीं मिलते हुए अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। आज कोविड सेंटर तो बंद हो चुका है मगर इनकी सैलरी नहीं मिली। जोया खान ने क्या कहा और शानू अशरफ पठान नगर सेवक से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा हम वो भी आपको दर्शा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं खान जोया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती थी मैं। और जो हॉस्पिटल में पहले जो रेफरेंस से जितने लोग आ गए थे वो 180 से 200 के करीब थे सर। और 1.5 महीने तक उन्होंने काम किए, 1.5 महीने के बाद में जो 25 सितंबर को पता चला कि सिर्फ 72 लोगों की मंजूरी टीएमसी ने दी हुई है। तो जो लोग काम किए 1.5 महीना 1 महीना काम किए, तो 180 लोग थे जिनमें से 72 लोगों का सिर्फ सैलरी का शीट निकालना पड़ा, ज़्यादा फोर्स करने पे टीएमसी ने, और 30 लोगों को कलवा में दिखा के उनकी सैलरी निकाली। और बच गए 60-70 लोग जो बच गए थे उन लोगों को हमने निकालना पड़ा। और उसकी वजह ये थी कि शानू भाई आए थे मेरे ऑफिस में, बोले मैडम जो है ना इन लोगों की सैलरी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे बंदों को आप रखो और इनकी सैलरी में महासभा से या स्टैंडिंग कमेटी से जो भी है मैं क्रिसमस तक के 2 महीने में निकाल दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी मैं निकाल दूंगा, ये उन्होंने मुझे बोला। अब जो है सर ऐसा है कि मेरे अब्बा भी बीच में ICU में एडमिट थे सेम हॉस्पिटल में। अब जो वहाँ पे वार्ड बॉय बोल के जो लड़के काम कर रहे थे, लेडीज लोग काम कर रहे थे, वो मेरे घर में कॉल कर रहे हैं कि आपकी बेटी को सैलरी क्यों नहीं दे। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई मैंने कि ये लोग मुस्तैद थे, वॉशरूम धोना और एक डेड बॉडी को रैप करना, कोरोना के पेशेंट के पास कोई जाता नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत की है सर और ये मुस्तैद है इस चीज़ के। इनके घर में खाने को कुछ नहीं था, ऐसे वक्त में इन्होंने कोरोना के लॉकडाउन में खर्चा करके गाड़ी भाड़ा दे के आते थे। मैं चाहती हूँ, शानू भाई हमारे बड़े भाई है और उन्होंने अभी तक के पानी को लेके और कई मसलों पे उन्होंने जो किए हैं काम की बहुत अच्छे काम किए, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम सबकी रिक्वेस्ट है कि जो इनकी सैलरी बाकी है वो प्लीज़ सैलरी निकाल के दें। और ऐसे सर 35 लोग हैं जिनमें से 5 लोग जो उनके खुद के थे उनकी सैलरी उन्होंने दे दी है, बच गए मेरे पास 30 लोग हैं जिसकी सर मेरे पास पूरी लिस्ट है। जी सर उन्हें बोले थे कि मैं सैलरी मैडम दे दूंगा, बाकायदा उन्होंने यहाँ पर मीटिंग लिए थे मनपा से महासभा से या स्टैंडिंग कमेटी से जो भी है इनका निकाल के। हाँ उन्होंने यहाँ तक बोले थे मैडम इन लोगों ने काम किए, इनका एक भी पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए, इन लोगों ने मेहनत की है, भले टीएमसी की कितनी भी कैपेसिटी है इन्होंने काम किए, इन मुस्तैद के लोग इनके पैसे। सर 30 लोगों की 1 महीने से 1.5 महीने की, किसी की 2 महीने की है सैलरी जो काम किए हैं। और आज सर आज जो है ओम साई को शमीम भाई ने भी 2-3 दिन से कंटिन्यू फोन किए उन लोगों को, खाली डॉक्टर से बात की, तो ओम साई की तरफ से आज 11-12 लोगों को जो सैलरी उनकी बाकी थी उनको मिल गई है इनकेश में। क्या डॉक्टर जीशान आए थे सर, खुद उन्होंने अपने हाथ से मेरे हाथ से साइन लेके उनको सैलरी बांटे। सर ये अल्फा कॉम करके था, अल्फा कॉम जिसमें सफाई कामगार बोल के लोगों को रखा गया था, लेकिन वो अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे सर। 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की जो ड्यूटी होती थी उसमें एसी ऑपरेटर, ओटू ऑपरेटर,
और अपना जो वाटर सप्लाई के लिए मोटर वगैरह के ध्यान रखने के लिए, और एक जो था सर इक्वल कंजम्पशन करके जो ओटू का बाहर हमारा जो ये लिक्विड सिलेंडर लगा हुआ है उसको देख रेख करने के लिए 24 घंटे के लिए एक था जो तीन शिफ्ट में दो दो करके लड़के आते हैं अंदर एडमिन के अंदर रिसेप्शन में डिस्चार्ज में और जो रिलीज करते हैं पेशेंट को उसके लिए गार्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी सब चीज़ें जिम्मेदारी के हिसाब से थी सर, तो गार्ड के लिए एक एक शिफ्ट में छः छः सात सात जो गार्ड होते थे हर गेट में होते थे तो उसके रखा हुआ था। और सर सबने काम किया, बहुत अच्छे से काम किया सर। सर उसका मुझे कब तक चलेगा सर? सितंबर से यहाँ पर भर्ती चालू बोली, यहाँ गवर्नमेंट कोविड का हॉस्पिटल यहाँ भर्ती चालू 1 सितंबर से सब काम कर रहे हैं। फिर अक्टूबर के महीने में पता चलता है कि परमिशन सिर्फ 72 लोगों को है और वो भी 25 तारीख से। फिर बाद में ये कंटिन्यू काम करते थे, फिर उसमें शानू भाई आए बोले मेरे ये बंदों को निकालो, मेरे बंदों को डालो, ये मैडम ने स्ट्रेस में आके इनकी गोलियाँ खा ली। फिर वो मामला चलते रहा तो अभी तक की जो पेंडिंग है आप ये पेंडिंग है तो ये पेंडिंग चलते रहे। मेरे बच्चे ने भी यहाँ काम किया, मेरी बहन ने यहाँ काम की, 2 महीने काम किए सर, सितंबर में काम किए, अक्टूबर में काम किए, सितंबर की पगार किसकी नहीं मिली तो अल्फा वालों ने किसी की भी नहीं दी, तो कम से कम को अक्टूबर की मेरा लड़का मेरी बहन मेरी जिस बहन की लड़की सब ने काम किए। इन लोग को पूछो, हमने ना किसी को पैसे दिए ना किसी से पैसे लिए, और हमने 2 महीने काम करके बोले 1 महीने की सैलरी मिलेगी वो भी अल्फा से मिलेगी, लेकिन बाद में मचमच होती है यहाँ नगर सेवक आते हैं कुछ मचमच होती है तो बोले तुमको 1 महीने की मिली, लेकिन वो भी अभी तक 1 महीने की नहीं मिली। नहीं नहीं है, अगर सर को मालूम रहता तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करते। जब उन्होंने मुमरा के अवाम के लिए कोविड हॉस्पिटल खोला इतना करोड़ों रुपए खर्चा करके, तो जाहिर सी बात है वो सैलरी के लिए भी आगे बढ़ते थे, लेकिन ये काम तक नहीं नहीं कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी डायरेक्ट कुछ भी नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट सर डायरेक्ट डायरेक्ट है ना सब रेफरेंस के थ्रू जितने लोग आ रहे थे उतने आए, जितने कागजी कागजी कार्रवाई कुछ जो रेफरेंस हम तो यासीन भाई की तरफ से आए, कोई शानू भाई की तरफ से आए, कोई शमी भाई की तरफ से आए, कोई किसकी तरफ से आए, गणेश मुंडे की तरफ से, सब अलग अलग। हमको पगार चाहिए, 3 महीने का है मेरा पेमेंट, मेरे बेटे ने 2 महीना काम करा, मैंने 3 महीना कर का, और पैसा 1 रुपया भी अभी तक उधर का मिला ही नहीं, बेटे का मिला नहीं मेरा। ऐसा रूमर है, ऐसी बात है कि आप लोगों ने यहाँ ये जॉब लेने के लिए कुछ किसी को पैसे भेजे दिए, पैसे खिलाए? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, पगार ही चाहिए हम लोग को, घर में खाने के लिए नहीं कुछ नहीं है, अभी त्योहार के दिन भी इधर आके बैठे, रात में भी आए थे, हम है नहीं है घर में खाने के लिए करने के लिए। आपको पगार देना दिलाना क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या है आपकी? वही पगार बोले अभी देंगे उधर से, अभी क्या हमको तो मालूम नहीं लगा ये काम पे, लेकिन पगार तो अभी तक मिला ही नहीं है। जब जब उनपे इतना प्रेशर आ रहा है तो हमको हम किसको बोलेंगे, किधर जाएंगे? वो सब ये नगर सेवा का कि उसकी कैंडिडेट लगा थे, वो नगर सेवा का कि उसकी, और जो पहले जो काम कर चुके हैं वो तो ऐसी के ऐसी सितंबर से काम किया, अभी जो 5वां महीना लग गया है, सिर्फ हमको सैलरी चाहिए, सिर्फ सैलरी चाहिए हमको, और हमको ना किसी को पैसे भी नहीं दिए हम लोग, हमको सैलरी चाहिए। आपको जब सानू प्रधान ने कहा कि जी हाँ 3 महीना करे, नहीं नहीं हमने 3 महीना किया, कोई 3 महीना किया 2 महीना, मेरे लड़के ने 2 महीना की, मैंने 3 महीना। सर बाकायदा इसके लिए ना मीटिंग ली गई थी सर, बाकायदा इसके लिए मीटिंग ली गई थी सर। जानकारी है पेमेंट का क्या इशू है, क्या बताओ? मेरा कहने का मतलब इतना ही है, मैंने जो काम किया उतना मुझे सैलरी मिलना चाहिए, मैंने 1 अक्टूबर और 30 अक्टूबर तक 2 महीने काम किया। हाँ काम, ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी जानकारी में जिनको अभी तक ये महीना 2 महीना 3 महीना काम किया उनको तनख्वाह नहीं मिली? कम से कम 30 लोग हैं। 30 लोग, अब ये तनख्वाह चलते चलते मिल जाए, सब जरूरतमंद लोग हैं, मनपा प्रशासन, मनपा आयोग, गृह निर्माण मंत्री और यहाँ के नगर सेवक, इन सबसे क्या अपील करेंगे? उनसे अपील है कि हमारा जो पगार है वो मिलना चाहिए। मिल जाए तो अच्छा है, बहुत परेशान है हमें, 3 महीना हो गया है, घर पे खाने को नहीं है। आप लोग की मेहरबानी है नगर सेवक लोग की, अगर आप लोग कोशिश कर देंगे तो अच्छा है, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, हम लोग का एहसान हो जाएगा। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसा आप लोग ने बोले कि मेरी इसको लेके किसी से कुछ बात हुई या नहीं हुई है, मैं ये पिछले 2 महीने से जब से इन लोगों की सैलरी नहीं आई, इनको निकाले कंटिन्यू डेली, मुझे यहाँ पे जितनी से डेली मुझे 50 कॉल तो आता ही है सर,
और डेली मैं इनके बारे में बोलती हूँ और ये लोग सीधा जाते रेफरेंस ऑफिस में, वो लोग बोलते जोया मैडम तुमने काम करवाया तुमको शर्म नहीं आती है क्या, तुमने इनकी सैलरी की मिली है। सर मैं ये बोलती हूँ 7 महीने से मेरी सैलरी नहीं आई है, मुझे TMC सैलरी रुका के रखी है, कुछ उनकी महासभा वगैरह होने वाली है, तो मैं इनको सैलरी कैसे दूँ? सर काम तो करवाई मैंने, लेकिन मैं इनको सैलरी देने की मुझे कोई राइट्स नहीं है, मुझे रेफरेंस हाँ। और सर जैसे रेफरेंस के थ्रू अगर ये लोग आते थे, इनको अगर मैं कैपेसिटी देख के गवर्नमेंट की एक तरफ से ये लोग बोलते रखो, दूसरी तरफ से TMC से मुझे ऐसा आता है कि इतने ही लोग हैं तुम इनसे काम मत करो, तो इनको जब मैं चिल्ला के वापस भेज देती थी तो ये लोग जाके तकरार करते थे मेरे बारे में, तो जोया मैडम ने मिसबिहेव किया हमारे साथ में, हमको भगा दी। जोया तुम कौन निकालने वाली होती हो वहाँ पर, वो हमारा हॉस्पिटल हमारा है या तुम जो भी है, वो लोग बोल के मुझे चिल्ला देते थे। तो मैं ये बोल रही हूँ सर जो भी हुआ खैर बहरहाल कुछ भी है, इन लोग मुस्तक है, जितने लोग काम किए ICU के अंदर काम करना मामूली बात है, मैंने खुद देखी हूँ सर इतनी गंदगी में काम किए है, कोरोना की बॉडी को रैप करना सबसे बड़ी चीज़ है सर, इन लोग ने वो सारी चीज़ें की है, ICU के अंदर है बाहर है, जितना पूरा क्लीनिंग वगैरह देख रेख करना अभी तक अलहमदिल्ला बहुत अच्छे से चलाई है, और अवार्ड साहब और रूता मैडम दोनों ने हर दिन हम लोग से इसकी खबर लेते रहे, यहाँ सर आग तक लग गई थी जिसमें इन लोग कोई प्रोफेशनल नहीं था फिर भी इन लोगों ने आग बुझाई, यहाँ पर सांप वगैरह आते थे उनको उठा के मारे हैं ये लोग सर यहाँ पर, तो अवार्ड साहब और रूता मैडम जो है ना उन लोगों ने हमारे लिए इतना सब अच्छा किया, बस ये जो नगर सेवक जिन्होंने रेफरेंस से भेजे बस इनसे ये इल्तिजा है कि इनके पास राइट्स है, ये जाकर इनकी सैलरी निकाले, जैसा बोले स्टैंडिंग कमेटी से महासभा से मेरी शानू भाई से जो हमारे बड़े भाई है, मैं उनको अपोज नहीं कर रही हूँ, उनसे इल्तिजा कर रही हूँ कि इन सबकी जो है ना सैलरी प्लीज निकाल के दे दो, और शमीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, आज उन्होंने जैसे फोन किया वैसा ओम साई की सारी सैलरी निकल गई, सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शानू भाई कौसा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 30 लोगों ने काम किया था और उनका किसी का 1.5 महीना किसी का 2 महीना और किसी का 3 महीना ऐसा, ये 30 लोगों का हमें 3 महीने 2 महीने 1.5 महीने का काम से निकाल दिया गया था और हमारी तनख्वाह बाकी है और हमें हमारे नगर सेवक अशरफ पठान साहब ने वादा किया था कि आपकी तनख्वाह मैं दिलाऊंगा, तो क्या पूरा मामला है, क्या उनकी तनख्वाह दिलाने के लिए आपके स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात के पहले तो सैलरी नहीं आई, लेकिन अल्फा वाले और जो ओम साई है इनको स्टैंडिंग में बात करके अधिकारियों से बात करके माननीय जितेंद्र रावत सबसे बात करके स्टैंडिंग में खास तौर से इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए उनकी पहली पगार रिलीज कराई, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि एक तरफ कोविड सेंटर से लिस्ट आ रही है कोई और लोगों की और बाहर में को कुछ और लोग आके कहते हमारी सैलरी है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे, इस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, तो मैं जिनकी सैलरी बाकी है उनसे एक ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोग अपने रजिस्टर पे जो हाजिरी किए थे उसकी रजिस्टर की कॉपी लेके मेरे पास लेटर ला के दे कि भाई ये हाजिरी है उसकी फ़ोटो और ये मेरा सैलरी इतनी बाकी है, तब कन्फ्यूज़न दूर होगा। लेकिन जिन लोगों ने काम किया है मैं आपके सामने यकीन दिलाता हूँ फिर वो कोई भी हो उनका एक दिन का पगार भी TMC को देना पड़ेगा सर, और मैं इस पगार को लेके रहूंगा, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हॉस्पिटल से जो लिस्ट जाती है बाहर मुझे लोग आके बोलते हैं मेरी पगार बाकी है और हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी एंट्री नहीं आ रही, तो ये मिसमैच हो रहा है कहीं ना कहीं, वहाँ पे जोया के पास जाना पड़ेगा उनको और जोया के पास जाके मैडम को बोलना पड़ेगा कि मैडम हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमको बाहर बोला जा रहा है कि हमने काम नहीं किया और हॉस्पिटल के अंदर के जो नाम है वो कोई और लोग आ रहे हैं, तो मैंने यही बोलना चाह रहा हूँ कुछ भी प्रॉब्लम है एक बार हॉस्पिटल में कौन हाजिरी लगाता था रजिस्टर में ये तो मुझे नहीं मालूम बराबर, और कौन उधर से पेपर बना के हेड ऑफिस भेजता था ये मुझे वहाँ से स्टाफ भेजता था, तो वो अलग जा रहा है नाम और यहाँ पे पैसा मांग रहे अलग लोग, तो इसीलिए मेरी सभी लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश है कि कई वार्ड के तो मेरे मैंने कहा पाँच दस होंगे लेकिन अन्य लोग भी है मुमरा कौशल, तो आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि वो सभी लोग एक लेटर पे मुझे लाके दे दे एक पेज पे चानू भाई ID के साथ, चानू भाई मैं काम किया हूँ और ये उसकी हाजिरी है और नहीं हाजिरी है जोया मैडम के पास हाजिरी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आप बताइए कि इतने टाइम से एक लिखित में दे दीजिए, तो मैं आने वाली स्टैंडिंग में ये अभी मैं स्टैंडिंग में हाँ मैं ताबड़तोब उनके प्रश्न कोविड में जो पगारें निकाली जा रही है कोविड में करोड़ों रुपये का बजट लिया जा रहा है मुमरा कौसा के हर बच्चे को हर मौसी को जो काम किया उसको पगार देना ही पड़ेगा। ये थी हमारी कोविड सेंटर पे सैलरी नहीं मिलने पे जानकारी, ऐसे ही खबरों के साथ फिर मिलेंगे, देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।